नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम इनसाइट में आपका स्वागत है। इनसाइट में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आखिरकार कमलनाथ ने छोड़ दिया ताज और अब बीजेपी के नेताओं को शुरू हो गया सत्ता का खाज। इस सत्ता के खाज के साथ ही वहां पर शाम को दे रहे हैं शिवराज सिंह महाभोज। उस महाभोज में यानी सत्ता के भोज में भागीदारी को लेकर भी बीजेपी में अंदरखाने अब कई चर्चाएं शुरू हो गई है। आखिरकार सत्ता के इस भोज में भागीदारी किसकी होगी? तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय हो या नरोत्तम मिश्रा हो, लगातार वहां बने हुए हैं और शिवराज के साथ डटे हैं इस सत्ता की भागीदारी के भोज के लिए। हालांकि शिवराज ने शाम को विधायकों को अपने निवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है और उसके पहले का घटनाक्रम हम आपको बताते हैं कि सुबह कमलनाथ ने आखिरकार ताज छोड़ने का फैसला किया और विधायक दल की बैठक में इस बात के संकेत दे दिए कि वे सत्ता से इस्तीफा देंगे, सरकार से इस्तीफा देंगे। और उन्होंने इसके साथ ही विधायकों से चर्चा के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्या रहे कमलनाथ के जाने के कारण और क्यों छोड़ना पड़ा, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि वहां पर सत्ता का केंद्र बने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और बीजेपी के गलियारों में अब गहमागहमी है सत्ता सुख की। सत्ता का सुख भोगने के लिए तैयार बीजेपी के नेता अब डटे हैं इस बात के लिए कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए विधायकों को किस तरह से अपने साथ सत्ता के संतुलन में साधा जाए, इसके लिए वहां पर अब समीकरण तैयार होने शुरू हो गए। अब तक जो विधायक कांग्रेस के खेमे में थे और कांग्रेस की जय जयकार करते थे, अब उन्हें किस तरह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के साथ संयोजन करना पड़ेगा, इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये विधायक अब शिवराज ने इन्हें साधने का काम पिछले दिनों ही कर लिया, तभी तो आखिरकार कमलनाथ को अपना ताज छोड़ना पड़ा था। लेकिन हम आपको बता दें कि कमलनाथ के अपने कुछ कारण रहे कि आखिरकार उन्हें सत्ता च्युत होना पड़ा। ना वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में लगातार अहंकार की लड़ाई लड़ते और ना आज उन्हें ये दिन देखने पड़ते, ना वे दिग्विजय सिंह के साये को अपने साये से बड़ा होने देते और ना उन्हें ये दिन देखने पड़ते। लोगों का कहना तो ये भी है कि वे इन दिनों में केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे, साथ ही उन्होंने सांप की बंबी में भी हाथ डाल दिया, यानी वहां के माफियाओं के साथ उन्होंने जो कुछ संजय गांधी के साथ रहे अपने रिश्तों के बाद उन्हीं की शैली को अपना कर जिस तरह से माफिया के सफाई के लिए वे लग गए थे, उसके बाद ये लग तो गया था कि ये माफिया चुप बैठने वाले तो नहीं थे। और उसके बाद वहाँ चाहे वो स्वीट होम का मामला रहा हो या व्यापम की जांच की फाइलों को लगातार दूसरा रूप देने की तैयारी हो, वहाँ भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान हो, इन सब से लग तो गया था कि कहीं न कहीं अब उनके खिलाफ एकजुटता दुश्मनों की बढ़ने लगी है। लेकिन उनके ये कारण पूरे कारण नहीं थे, उनके खुद के अपने कारण भी रहे, उनकी अपनी कार्यशैली भी रही। और ये विवाद का साया तो उनके साथ उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सत्ता से बाहर रखा था। वे उन्हें ज्यादा दिन सत्ता का सुख भोगने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुला नहीं छोड़ा और आखिरकार उनसे ये ताज छीन लिया। पहले सिंधिया गए और उसके बाद अब कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। अब ये भी बात उभरने लगी है कि मध्य प्रदेश के बाद क्या राजस्थान में भी ये सत्ता पर ग्रहण का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हम बात करते हैं अभी फिलहाल बीजेपी की कि वहाँ पर जहाँ सत्ता होती है वहाँ पर कुछ न कुछ साया शनि का जरूर लग जाता है, वहाँ अहंकार बड़ा होने लगता है। और अब इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी शिवराज के साथ साथ उनके सहयोगियों के मन में भी पल रही अपेक्षाओं का पिटारा खुलने लगा है। उनके साथ नरोत्तम मिश्रा कंधा से कंधा मिलाकर तैयार हैं, तो उधर कैलाश विजयवर्गीय की अपेक्षाएं कम नहीं हैं। आखिरकार किस तरह साधी जाएगी पार्टी के इन बड़े नेताओं की उम्मीदों को, तो उसके साथ साथ ये भी निर्भर करेगा कि आखिरकार जो विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हैं उनका खेवनहार पार्टी में कौन होगा। क्या सिंधिया इस तरह से केवल वॉकओवर दे देंगे? शायद नहीं, सिंधिया भी कहीं न कहीं समीकरण को संतुलित करेंगे और वे चाहेंगे कि सत्ता की भागीदारी में उनके जो भी सहयोगी उसमें मौजूद रहें वो सर्वोच्च स्थान पर रहें या उनकी स्थिति मजबूत रहें, ये वे जरूर चाहेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हम चलते हैं आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार कमलनाथ का दर्द क्या था इस्तीफे के बाद, सुनिए। भाजपा सोचती है
कि मेरे प्रदेश को हराकर खुद जीत जाएंगे। ना ये मेरे प्रदेश को हरा सकते हैं, ना मेरे हौसले तोड़िया जितना शरण मेरे प्रदेश के साथ करेंगे उतना ही मेरा विश्वास। ये तो मध्य प्रदेश में फिलहाल सत्ता पर जो ग्रहण लगा उसकी कहानी है, लेकिन क्या ये ग्रहण कांग्रेस के लिए केवल मध्य प्रदेश तक सीमित रहेगा? इसको लेकर अब शगुफों का अगला दौर शुरू हो गया है। क्या मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की अंतर्कलह कुछ खुलकर सामने आएगी? इस बात को इसलिए भी हवा दी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए जिस तरह से ओंकार सिंह लखावत का पर्चा भरवाया और उसके बाद उनकी लगातार नजर कांग्रेस की अंतर कलह पर है, उसको लेकर लोग सियासी समीकरण कुछ अलग अंदाज में देखने लगे हैं। उसके साथ साथ रामेश्वर डूडी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी नब्ज टटोलने की बातें भी सामने आई और उनके साथ भी बीजेपी के संपर्क साधने की बातें सामने आने के बाद चौंकना लाजमी था। उसके साथ साथ जिस तरह से सचिन पायलट के बयान आए और उसमें जिस तरह से नरम रुख के साथ आलोचना की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से जाने की, उसको लेकर कि लोगों में अभी कुछ उम्मीदें हैं कि वहां भी कुछ न कुछ हो सकता है, ये उम्मीदें बीजेपी को ज्यादा है। इसके साथ ही राजनीति के जानकारों का मानना है कि सचिन और बीजेपी के बीच जो कड़ियां अभी तक संतुलित नहीं थी या जो रोड़ा अटक रहा था वो थे वहां उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला की हिरासत जो कश्मीर में थी, वो भी एक बड़ा रोड़ा था, लेकिन बीजेपी ने अब वो रहा के रोड़े हटाना शुरू कर दिया और उनके साथ ही अब वहां भी उन्होंने उन्हें रिहा करने के बाद ये समीकरण संतुलित होने लगे हैं। तो क्या अगला नंबर राजस्थान का हो सकता है? फिलहाल तो नजर नहीं आता, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं महामारी यानी विश्व का सबसे बड़ा संकट कोरोना। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ ही सजगता और सतर्कता के लिए अब जनता भी कंधा से कंधा मिलाकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही लोगों को संबोधित किया और लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में जनता खुद अपने ऊपर संयम की परीक्षा दे, तो जनता ने कर ली पूरी तैयारी और वो इस परीक्षा के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले कोरोना कहर डालने में कहीं पीछे नहीं रह रहा, उसका असर धीरे धीरे नजर आने लगा है। आज महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और वहां पर मुंबई पुणे नागपुर और उसके साथ 4 शहरों में उन्होंने लॉकडाउन लगभग लॉकडाउन की स्थिति कर दी। करीब करीब सभी विभाग जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे विभाग और मॉल्स व्यापार सब कुछ बंद रहेंगे सिवाय किराना की दुकानें और कुछ मेडिकल वगैरह की दुकानों के अलावा। तो उसके बाद दिल्ली में भी कुछ कमोबेश इसी तरह के निर्णय लिए हैं सरकार ने। राजस्थान में एक दिन पहले ही लगभग लॉकडाउन की स्थिति कर दी गई, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये लॉकडाउन खुद जनता का अपने हित के लिए है, ये किसी तरीके से आपाधापी नहीं हो, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। ये हम अपने स्वास्थ्य के लिए है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए है। जयपुर से भी आज एक बुरी खबर ये रही कि यहाँ इटली के जो सबसे पहले संदिग्ध मरीज सामने आए थे उनके मौत के समाचार हैं और उन्होंने उनको पहले सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया था जहां उनके हालात में सुधार थे, लेकिन इटली के जो अधिकारी थे उनकी ओर से आग्रह था कि उनका इलाज दूसरे अस्पताल में हो, निजी अस्पताल में हो, और उनका अस्पताल जिस अस्पताल में था वहां उनकी मौत हो गई। और उसके बाद लोगों में थोड़ा डर है, लेकिन डर के बाद आगे जीत है और वो जीत है आपके इरादों की, आपके हौसलों की, आपके संकल्प की, आपके संयम की, और वो आप में हम में सब में नजर आता है। जीतेंगे हम कोरोना से, ये संकल्प है लोगों का और संकल्प के सहारे पार होगी इस लड़ाई की नाव। और आखिरकार इस जीत के लिए लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्कूल कॉलेज पहले से बंद थे, अब उसके बाद लोगों ने अपने आप को आइसोलेटेड करना शुरू कर दिया, ये सबसे अच्छी चीज है। जयपुर हो या राजस्थान के अन्य शहर हो, सब जगह अब भीड़भाड़ से लोग बच रहे हैं, रास्ते सूने नजर आ रहे हैं, बाजार सूने हैं और जरूरत के सामान के लिए दुकानें खुली है। इसलिए फिर हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह की आपाधापी में ना आए, जरूरी सामान की दुकानें हमेशा खुली रहेगी, लोगों को दिक्कत ना हो, इस बात के लिए सरकार पूरा ध्यान रखे हुए है। आप जमाखोरी को
प्रेशर ना दें, आप उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित ना करें। इसके लिए आप एक कड़ी का काम करेंगे, अगर आप संग्रह नहीं करेंगे तो लोग भी संग्रह ना करेंगे। अफवाहों पर अंकुश लगाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ एक बात और, कोरोना के इस पूरे दौर में आर्थिक मामलों की, जहां चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने भी कहा है कि हमको इस स्थिति में आर्थिक समीक्षा भी जरूरी है और जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ व्यापारी लोग अपने साथ जुड़े लोगों का ध्यान रखें, उनका वेतन का ध्यान रखें। लेकिन सरकार को लेकर के लोगों में अब उत्सुकता है कि इतनी बात करने वाली सरकार क्या बिजली के बिलों के लिए जिस तरह से मारामारी हो रही है, मार्च का महीना है और लगातार कनेक्शन काटे जा रहे हैं, क्या सरकार राहत देगी? क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं, व्यापार ठप है, बाजारों में पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या बिजली के बिलों के लिए इस तरह की आपदा भी ठीक है? क्या बैंकों को अपनी किस्तें और दूसरे तरह के जो भुगतान हैं उनके लिए उन्हें स्थगित कर देना चाहिए? ये सारे मामले अब लोगों के जहन में आने लगे हैं और मांग जोर पकड़ने लगी है कि जितने भी पेमेंट्स हैं उन्हें अभी आगे के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। जब कोर्ट कार्रवाई स्थगित हो सकती है तो आखिरकार भुगतान के मामलों में क्यों आपाधापी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान को लेकर दो जातियां हो गई है आमने सामने। उनकी शूरवीरता और उनके वीरता को लेकर अब राजपूत समाज और गुर्जर समाज दोनों में होड़ है कि वे उनके पितृ पुरुष हैं। अच्छी बात है कि पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि ना केवल वे राजपूत और ना केवल गुजर बल्कि वे सबके लिए सम्मानित हैं और सब उन्हें अपना कहीं न कहीं पुरखों के रूप में मानते हैं कि वो हमारे गौरवशाली इतिहास हैं। लेकिन इस गौरवशाली इतिहास को लेकर वर्तमान में फिलहाल कुछ कड़वाहट बढ़ने लगी है। कड़वाहट की शुरुआत हुई जब करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने वहां पर शूटिंग के दौरान चंद्रप्रकाश द्विवेदी को कहा कि वे पृथ्वीराज चौहान की भूमिका को लेकर उन्हें संतुष्ट करें कि उनकी भूमिका एक योद्धा के रूप में हो, ना कि रसिक के रूप में। और इन खबरों के बाद अब गुर्जर समाज ने भी कहा है कि वे गुर्जर समाज के पूर्वज हैं, गुर्जर समाज के सरताज हैं और उनको लेकर के वे सजग हैं। वे भी देखेंगे कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को लेकर इस फिल्म में दिखाया जाएगा। बहरहाल दोनों के अपने अपने वादे हैं, जहां गुर्जर समाज का कहना है कि प्रतिहार वंश के राजा थे और उनके पिता प्रतिहार वंश के रूप में जो पृथ्वीराज रासो है उसमें उनका वर्णन है, तो राजपूत समाज के अपने तर्क है। बहरहाल जो योद्धा है उन्हें सब चाहेंगे कि वे अपने हों, लेकिन वे हम सबके हैं, हम सबके लिए गौरव का विषय है। अभी इनसाइट में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे कल, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।